पासिंग आउट परेड का इनाकाद फिरोजपुर रोड पर वाके पंजाब प्रिजन स्टाफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में किया गया, जिसमें डीआईजी हेडक्वार्टर्स मियां सालिक जलाल बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। उनका कहना है कि जेलों के अंदर मोबाइल फोन के इस्तेमाल की रोकथाम और मंशियात का खात्मा अहलकारों के लिए बड़ा चैलेंज है। अगर आप मंशियात का खात्मा करेंगे, अपनी बारक में से मंशियात का कला कमा करें, मोबाइल का जो एक धब्बा लगा हुआ है हमारे महकमे में, कोशिश करें कि इसको खत्म किया जाए, ये आप ही खत्म कर सकते हैं, बाहर से जाकर किसी ने खत्म करना। प्रिंसिपल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कामरान अंजुम का कहना था कि ट्रेनिंग के दौरान अहलकारों की जहनी इस्तेताद कार बढ़ाने पर ज्यादा तवज्जो दी गई है। 3 माह की तरबियत के बाद हेड वार्डर्स के ओहदे पर तरक्की पाने वाले अहलकार पासिंग आउट तरीब के दौरान बहुत खुश दिखाई दिए। इस वक्त हम बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं, ताकि हमारी 28 साल 30 साल नौ सर्विस है, जो कि हमें सर्विस के आखिर में हमें जो इसका सफर मिला है। अफसरान वाला हम बहुत ज़्यादा मशहूर हैं कि हमें अखीर वक्त में हमें तरक्की दी गई। बहुत अच्छी ट्रेनिंग रही, हमें बहुत खुशी है कि हमने आखिरी मरहल में हमें तरक्की मिली है। डीआईजी इंस्पेक्शन जेल खाना जात कर्नल रिटायर तारिक, स्टाफ ऑफिसर वजीर जेल खाना जात सैयद काजम शाह और अहलकारों की बड़ी तादाद भी पासिंग आउट परेड की तकरीब में मौजूद थी। पास आउट होने वाले अहलकारों के जोश व जज्बे से इस बात का बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जेलों को जो मसाइल दरपेश हैं उन पर काबू पाने के लिए ये ट्रेनिंग बहुत मुफीद साबित होगी। कैमरामैन सजाद अहमद के साथ वकास अहमद, सिटी 42।